नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में धोखाधड़ी के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां रिश्तों में चंद रुपयों के लालच में जमीन संबंधित धोखाधड़ी जैसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कनारिया थाना क्षेत्र का है, जहां 50 करोड़ रुपए की भूमि पर भतीजे ने अपने ही चाचा के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। दरअसल मामला कनारिया थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी राजीव अग्निहोत्री ने शिकायत की है कि उसकी बाईपास स्थित जमीन पर धोखाधड़ी पूर्वक कॉलोनी काटने का लालच देकर ठगी का जमीन को अपने नाम करा लिया, जिसमें पुष्प रत्न रियलिटी बिल्डर के कार्यधारक अशोक जैन के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है, जहां शिकायत करते के भतीजे और उसके बेटे की भी भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2008 में जमीन पर कॉलोनी काटने के नाम पर प्रलोभन देकर एग्रीमेंट साइन कराया और फिर जमीन अपने नाम कर ली। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी है। कल कनाड़िया थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जो एक शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत की जांच के बाद हुआ है। इस शिकायत में फरियादी ने ये आरोप लगाए थे कि उसकी भूमि पर जो उसकी खुद के स्वामित्व थी, उसके पार्टनर ने गलत तरीके से अपने नाम पे करा ली थी और उसको धोखा दिया था। इसी बात पर लेके फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अशोक जैन के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें खजराना स्थित, खजराना पर बाईपास है, वहाँ पर ये जमीन स्थित है। बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 50 करोड़ की कीमत की जमीन। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।